आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड की राजनीतिक हलकों से एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि सामने है विधानसभा चुनाव 2022, और ऐसे में अगर एक ऐसी तस्वीर सामने आए जिस पर कई सवाल उठते हों और कई राजनीतिक जो हैं उसके मतलब निकाले जा सकते हों, तो वो तस्वीर क्या रहेगी? जी हाँ, एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ दिखाई दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, और साथ में दिखाई दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काउ। तो इस वीडियो के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि कुछ ही दिन हमने पहले ये भी देखा है कि जो है कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जो है दिल्ली गए थे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी, और उस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन अब एक नया वीडियो सामने आया, उस नए वीडियो के क्या राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, इसे जानने के लिए हम सीधे बात करेंगे अपने संवाददाता हेम भट्ट से, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले हमने तस्वीर और उस बात की चर्चा की थी जब जॉली ग्रांड से जो है एक ही विमान में तीनों सवार हुए थे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काउ, साथ में थे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, और आज एक नया वीडियो आता है जिसमें तीनों दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मायने निकाले जाएं इस नए वीडियो के? देखिए जी, बिल्कुल योगेश, तस्वीर तो वायरल होने वाली है और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ जो फोटो आए सामने, उसमें हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काउ दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल प्रसन्न चिंत थे और इस बात को लेकर खुशी जाहिर कर रहे थे। तमाम उनकी जो मांगे थी कोटद्वार से जुड़ी हुई, वो केंद्रीय मंत्रियों ने मांगी मान ली हैं और उनके साथ बैठे थे। उससे पहले बवाल ये हुआ कि जब दिल्ली जा रहे थे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, साथ में उमेश शर्मा काउ थे, लेकिन उसी प्लेन में कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी उसी प्लेन में शामिल थे और दिल्ली गए, तो वहाँ से चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। अभी एक दिन पहले हरक सिंह रावत लौटकर दिल्ली से देहरादून पहुँचे थे और आज ये तस्वीरें सामने आ गई। ये घर है, डिफेंस कॉलोनी में स्थित है कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का, वहाँ पर ये मुलाकात हुई है। और इन तस्वीरों में एक तो होस्ट की भूमिका में नज़र आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, साथ में उमेश शर्मा काउ है, और उसके अलावा हरिद्वार से ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, जो कि कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते हैं हरिद्वार में, वो मौजूद हैं, और प्रीतम सिंह इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। कुछ सेकंड का ये विजुअल है, लेकिन ये बहुत कुछ कहने वाला विजुअल है। इसमें दिखाई दे रहा है कि वो दो शख्सियत जो पिछले कई दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में उनको लेकर तमाम सियासी हलचल मची हुई है, उसमें से हरक सिंह रावत हैं, उमेश शर्मा काउ हैं, दोनों बताया जा रहा था कि भाजपा से नाराज़ चल रहे हैं, और उसके बाद वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में मुलाकातें होती हैं। उस समय ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हरक सिंह रावत को भाजपा उत्तराखंड में उनका कद बढ़ाने जा रही है, क्या चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारी देकर संगठन में उन्हें कोई पद दिया जा रहा है, क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तमाम तरह की अटकलें लग रही थी। और जैसे ही दिल्ली से लौटकर हरक सिंह रावत आए, आज टी पार्टी हो गई उनके घर पर, और मेहमान बनकर आए प्रीतम सिंह। और कुल मिलाकर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बेशक उत्तराखंड की राजनीति में फिर हलचल है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आशंका बीजेपी को पहले से थी कि क्या हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काउ पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आप देखना ये है कि इस तस्वीर के जारी होने के बाद इसे किस तरह से डिफेंड करेंगे हरक सिंह रावत, क्योंकि पहले भी मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों को ये कहकर उनको सामान्य मुलाकात बताने की कोशिश की गई है कि चूंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं, प्रीतम सिंह एक विधायक हैं, उनके क्षेत्र के कुछ काम हो सकते हैं जिन्हें लेकर वो एक मंत्री से मिले हैं, साथ में विधायक उमेश शर्मा काउ हैं, उनका आना लाजमी है, वो भी एक विधायक जनप्रतिनिधि हैं और मंत्री से कोई भी मुलाकात कर सकता है, शायद इस तरह से इन तस्वीरों को पेश किया जाए। लेकिन सही बात है, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फिर एक बार हलचल शुरू हो गई है कि क्या उमेश शर्मा काउ और हरक सिंह रावत पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। जी जी, तो मैं ये आकलन भी लगाया जा सकता है राजनीति में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में जिस तरीके से दो खेमे दिखाई देते हैं, एक प्रीतम गुट, एक हरीश गुट। यशपाल आर्य जब कांग्रेस में शामिल हुए तो हमने देखा कि किस तरीके से हरीश रावत उनमें शामिल थे, और ये बताया जा रहा है कि अगर ये वापसी हुई है तो उसमें हरीश रावत प्रमुख थे इस वापसी के लिए, क्योंकि यशपाल आर्य और उनके बेटे जो हैं दोबारा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
ऐसे में अब प्रीतम सिंह जब दिखाई देते हैं इनके साथ, तो इसको क्या मायने निकाले जाए इसके कि प्रीतम सिंह भी जो है एक नई घर वापसी करा सकते हैं कांग्रेस में, और ये वो दो चेहरे हो सकते हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा का। देखिए, यशपाल आर्या और उनके पुत्र संजीव आर्या की जो कांग्रेस में एंट्री हुई है वो जाहिर तौर पर हरीश रावत के माध्यम से हुई है। तस्वीरों में भी हमने देखा, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में जब शामिल हुए थे यशपाल आर्या पार्टी में, तो हरीश रावत मौजूद थे और हरीश रावत से उनकी कई दफ़ा बातचीत हुई और उसके बाद तय किया गया यशपाल आर्या है। तो जाहिर सी बात है, जो दिखाई दे रहा है वो बताता है कि यशपाल आर्या और उनके सुपुत्र संजीव आर्या इस समय हरीश खेमे के साथ हैं। प्रीतम खेमा पहले से कई मामलों में नाराज चल रहे थे, हरीश गुट के साथ कुछ दिक्कतें चल रही थी, जिस तरह से अध्यक्ष पद से हटाया गया और कुछ तमाम दिक्कतें थी, उनको लेकर नाराजगी तो थी, अभी भी है शायद। तो क्या ये माना जा रहा है कि हरीश रावत यशपाल आर्या उनके सुपुत्र को लाकर उन्होंने अपने कुनबे को मजबूत किया है? अभी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं हरीश रावत, तो ये इशारा क्या हाईकमांड की तरफ से होगा? निश्चित तौर पर यशपाल आर्या आए हैं तो वो भी हाईकमान तक बात गई होगी, और अब इधर अगर प्रीतम के जरिए वाया प्रीतम अगर इनकी एंट्री हो रही है कांग्रेस में, जो कि अभी कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा, कुछ दिनों में शायद स्थिति स्पष्ट हो जाए, लेकिन जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, चाय की चुस्कियाँ लिए जा रही हैं साथ में, उनको देखकर लग रहा है कि कुछ होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो प्रीतम मजबूत खुद को करना चाहते हैं, उनके माध्यम से ही हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ या कोई दूसरा विधायक सामने आ सकता है, कांग्रेस की तरफ आ सकता है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह कुंजवाल, उनका एक बयान आया, उन्होंने तो कहा कि 9 विधायक हैं भाजपा के जो कांग्रेस के संपर्क में और बहुत जल्दी आने वाले हैं, उनकी घर वापसी होने वाली है। वो 9 विधायक कौन है कुंजवाल जी बताएंगे। तो एक तरह से कांग्रेस के भीतर भी जो गुटबाजी थी वो भी अब अपने अपने नेताओं को अपने जरिए पार्टी में शामिल करवा कर जो भाजपा के लोग हैं वो अपने आप को भी मजबूत करना चाहते हैं। इसका सीधा कारण एक ये है कि इस वक्त प्रीतम गुट और हरीश गुट की अगर हम बात करें कांग्रेस में, तो एक हरीश रावत के मुकाबले कमजोर दिखाई देते हैं प्रीतम सिंह, वैसा संख्या बल भी नहीं है। और तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जब नतीजे सामने आएंगे, जब स्थिति सरकार बनाने की अगर कांग्रेस की आ गई, तो उस वक्त एक चेहरे के तौर पर होंगे, तो अपने खेमे को मजबूत प्रीतम भी करना चाहते हैं। आप यशपाल आर्या उसके बेटे उनके बेटे को आपने शामिल करवाया, इधर हम कुछ विधायकों को करवाएंगे, तो ये भी एक तरह से देखा जा सकता है। तो क्योंकि हरीश रावत बार बार ये बात बोल रहे हैं, वो लगातार इस बात का मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग पैसे के लालच में पार्टी छोड़कर गए, कांग्रेस की सरकार गिरा कर गए, मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे, क्योंकि हरक सिंह रावत बयान देते हैं ऐसे कि मैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी उस समय मेरे पास मौका था लेकिन नहीं बन पाया जब भाजपा की सरकार अभी आई, वो चाहते थे। तो हरीश रावत कहते हैं कि ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा लेकर गए, पार्टी को छोड़कर चले गए, कोई धन के लालच में चले गया, कांग्रेस को ख़त्म करके ये लोग चले गए, पूरी सरकार कांग्रेस की गिरा दी, तो ऐसे लोगों की पार्टी में आवश्यकता क्या है? ये लोग तो सरेआम खुलेआम जाएं और पहले माफ़ी मांगें। लगातार हरीश रावत इस तरह की बात कर रहे हैं, तो एक बैरियर बहुत बड़ा हरीश रावत हैं, हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ या दूसरे अगर हम किसी की बात करें जिनकी घर वापसी की लगातार चर्चाएँ हो रही हैं, तो हरीश रावत एक बड़ा बैरियर उनके लिए क्या बने हैं। अगर प्रीतम सिंह बीच में अब भूमिका निभा रहे हैं तो ये भी कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर हो रहा होगा। तो शामिल पार्टी में जो भी होगा वो स्थानीय नेता के स्तर की बात तो है नहीं, अब केंद्रीय नेतृत्व को भी आपने तमाम चीज़ों पर भरोसे पर लेना है, वहाँ तक इन नेताओं की बात हुई है, राहुल गांधी तक से मुलाकातें हो चुकी हैं, तो एक तरह से केंद्र का सिग्नल है और इधर प्रीतम उसकी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर ऐसा होता है जो तस्वीरें आज दिखाई दे रही। तो हेम, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि हमने कुछ दिन पहले जब देखा था, एक तस्वीर आई थी जब मुलाकात हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से, एक तरफ जेपी नड्डा थे, एक तरफ सांसद अनिल बलूनी थे और एक तरफ थे खुद डॉक्टर हरक सिंह रावत, लेकिन अब एक नई तस्वीर हमारे सामने आती है, तो क्या माना जाए कि ये तस्वीर उस तस्वीर को कहीं ना कहीं धूमिल करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल संयोग कैसे बताया जाएगा अब ये देखना होगा।
प्लेन का संयोग था, उससे पहले भी कई मुलाकातें दोनों के बीच हुई हैं, आज फिर हो गई है साफ तौर पर और तस्वीरें मीडिया में हैं, हमारी स्क्रीन पर आप दर्शक देख सकते हैं किस अंदाज में मिल रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो तस्वीरें दिल्ली से आई थी, जिन तस्वीरों में जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, एक तरफ अलीन बलूनी बैठे थे, राज्यसभा सांसद हैं उत्तराखंड से और बहुत सारे नेताओं को पार्टी में एंट्री करवाते हैं, अनिल बलूनी सामने बैठे थे, हरक सिंह रावत मुस्कुरा रहे थे, उन तस्वीरों के बाद ये कहा गया था कि ये जो तस्वीर है सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल वाली स्थिति थी, बलूनी खुश नज़र आ रहे थे। यानी कि जो नाराज़गी थी उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत की, भाजपा ये सोच रही थी कि वो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन दिल्ली से देहरादून लौटते ही इन तस्वीरों का आने का मतलब है कि वो दिल्ली वाली जो मुलाकातें थी वो उनको धुंधला कर दिया है इस तस्वीर ने, इसके आने के बाद वो तस्वीरें धुंधली हो जाती हैं। क्योंकि अब सवाल ये भी उठेगा भाजपा संगठन की ओर से कि आखिर जब सरकार के कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, भाजपा चुनाव की तैयारी में है, कांग्रेस चुनाव की तैयारी में है, ऐसे वक्त में जब हरक सिंह रावत उमेश शर्मा काऊ नाराज बताए जा रहे हैं, इधर प्रीतम खेमा अपने आप को मजबूत करने के लिए अपनी तरह की कोशिशें कर रहा है, ऐसे वक्त में दोनों को इतनी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जो इस तरह की जानी थी, और बात भी थी तो क्या कोई काम था विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो क्या मंत्री से जाकर साथ में उमेश शर्मा काऊ को ले जाकर बात करने की क्या आवश्यकता थी, ये तमाम सवाल उठेंगे। लेकिन ये सच है कि इस तस्वीर ने दिल्ली दौरे की तस्वीरों को धुंधला जरूर किया है। तो सियासी हलचल तेज है और एक बार फिर ये नई तस्वीर सामने आई है, आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार इस तस्वीर के क्या मायने थे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हेम आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड की राजनीति ही नहीं, देश दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और ये खबरें जानने के लिए सिर्फ आपको करना ये होगा हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और अगर ये खबर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और खबरों को पढ़ना चाहें तो जाइए हमारी वेबसाइट www.jayabharattv.com पर और देखिए देश दुनिया की ताजातरीन खबरें। इस खबर के साथ फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।